हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल निखिल रिएक्टेड 2020। और आज की जो हिंदी वीडियो है, जैसे कि मैंने बहुत जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि मैं हिंदी वीडियो पर रिएक्शन क्यों दे रहा हूँ, उनको शॉर्ट में जो है बता देता हूँ। ये मैंने इसलिए शुरू किया है ताकि मेरे पास हिंदी ऑडियंस भी आए। जो अभी तक मेरी ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट या फिर लद्दाख के हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो कल्चर है लद्दाख का और नॉर्थ ईस्ट का, वो पूरे इंडिया में फैले। और वो तब होगा जब मेरे पास हिंदी ऑडियंस आएगी। तो इसलिए मैं हिंदी वीडियोस पे भी अब रिएक्शन दे रहा हूँ ताकि हिंदी ऑडियंस भी मेरे पास आए और तब मैं साथ साथ आपकी वीडियोस पे भी जो है रिएक्शन दूंगा नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख की। तो हिंदी ऑडियंस जो है वो भी वीडियो कुछ ना कुछ तो ज़रूर देखेगी, तो आपका कल्चर और फैलेगा, नॉर्थ ईस्ट के बारे में और अवेयरनेस फैलेगी। तो यही मेरा एक मोटिव है। इसलिए आज की जो वीडियो है वो DSP की है और ये बहुत सही वीडियो बनाते हैं। और आज जो इनका टाइटल है वो बाप बाप होता है। मैंने इसके पहले की भी मतलब एक सीरीज इन्होंने जो है शुरू करी थी, मतलब इसी वो टाइटल से। तो ये उसका एपिसोड 8 है और ये अभी अभी आया था। तो मुझे ये सीरीज़ बहुत जो है पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर रिएक्शन देंगे। तो इसलिए मैंने भी अभी तक उसको नहीं देखा है, तो अब देखते हैं। और आई होप आपको भी जो है अच्छी लगे। और जिनको जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोग जिन्होंने TSP के बारे में नहीं सुना, उनको भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और वैसे एक और होगा फ़ायदा, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जब मैं हिंदी वीडियोज़ के पे एक्शन दूंगा और नॉर्थ ईस्ट के लोग और लद्दाख के लोग जिनकी हिंदी वीक है वो देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी हिंदी भी स्ट्रांग हो जाएगी धीरे धीरे। तो दो फायदे। अब देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1, 2, 3। अबे पहले ही आधी दुनिया गोवा बैठी है, और देख अब अपनी क्लास वालों ने भी गोवा ग्रुप बना लिया। गोवा जो है ना ज्यादा ओवररेटेड है, समझा। हम वैसे ही जाके बोर हो चुके हैं बहुत बार। ये तो है, बोर हो चुके हैं। मैं तो आज तक एक बार भी नहीं बोल दिया। क्या क्या तुम लोग का खुश हो रहा है? तुम लोग को थोड़ा ना जानती है, पहचानती तो सिर्फ हमको है। सर यही है वो लड़का जो मेरे बॉयफ्रेंड बनने की अफवाह फैला रहा है, और फिर कैंटीन में जाके मैं नाम पे उधारी का पेशा। सर एक समोसा खाया तुम ले लेना। बहन रोक, आज मेरे हाथ में मर्डर हो जाएगा। हट, पट्टी पट्टी क्यों नहीं हो, फिर एक बार फट जाओ। देखो गोवा जाके हम बोर तो हो जाएंगे, बड़ा लिटरल इंसान है, हमको जाना पड़ेगा जिम्मेदारी निभाने के लिए। अच्छा सुनो भाई, सबसे जरूरी बात, गोवा में फिरंगी सब मिलती है, जो ऐसा होटल ले जाके तुमको लंगटे बांध के तुम्हारा सब कुछ सब ये मैंने भी सुना है। तो उसे दूर रहना, बच के एकाध केस हुआ था। अकेले मत बात करने आना, पहले हमसे करवाना, हम एक्सपीरियंस है ना। अरे लाओ पिज्जा, दूसरा तुम उठा वहां से। ओ तू देखना, इस बार भी इसके पापा है ना, हम दोनों से उठक बैठक करवाएंगे। भाई तुम लोग जानता नहीं है, इस लॉकडाउन में ना हमारे पापा इस पिज्जा के जैसे हो गए, जो ऊपर से एकदम गर्म अंदर से चीज जैसा नरम है। तुम विश्वास नहीं करेगा, देखो एक चीज क्या भेजा व्हाट्सएप पे, देखो महाकामचो। ये लोग इस बार हम लोग 31st को गोवा जाएंगे भी, रुची के साथ हम ये पिज्जा खाते खाते फोटो अपलोड करेंगे। महाकामचो 2020 डोस्ट ऑफ द ईयर। अरे हाँ भाई पप्पू, हम तुमको एक बार बोल दिया ना, हम 31 को गांव आएंगे भी और अभिनव को साथ लाएंगे भी। और तुम लोग काम करो, जल्दी से पिज्जा गटको और निकलो यहाँ से। टाइम यार, पापा आ जाएंगे, कूट देंगे सबको एक साथ। साहिल फोरबेस किताब बड़ा बढ़िया होता है। कहो तो फेंक दे। पापा वो लुच्चा दोस्त लोग फोन कर रहा है, बोल रहा है न्यू ईयर आ रहा है, पार्टी कर बैठो करो। तो काहे नहीं कर रहे हो? अरे एक ही बार तो आता है साल में न्यू ईयर है। पापा नहीं, क्या है पापा करते, लेकिन हम मुंबई जा रहे हैं। नहीं डिवाइन की माँ से मिलने, नहीं वो मेरा इंटरव्यू है पापा। अभी साल के अंत में मेहनत करेंगे, तो पूरा साल मेहनत करते रहेंगे। कौन सा कंपनी? ये गोंजॉय प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है पापा, बहुत बड़का MNC इंटरनेशनल है, सिर्फ मुंबई में इसका 4 लाख ब्रांच है पापा, उसी में इंटरव्यू है मेरा 31st और 1st को, तो वहीं जा रहे हैं। बस आपका आशीर्वाद और 20,000 रुपया चाहिए। बाप से शान पट्टी, बड़ा बुरा हुआ। अरे वो मिश्रा के लड़के का कंपनी उसको गोवा भेज रहा था, साथ में 3 एक्स्ट्रा टिकट दिया था। क्या बात कर,
तो हम सोच रहे थे तुमको ले जाते हैं, एंजॉय करवा देंगे थोड़ा। वैसे भी खाली बैठे बैठे पक गए होगे ना पूरा 2020 लेकिन आप सोचे एक बार, ये जो 2020 है सिर्फ एनसीबी मुकेश अंबानी और मेरे लिए ही अच्छा गया है, समझ रहे? न्यूज़ सुन के तो मजा ही आ गया। हाँ, लेकिन तुम्हारा इंटरव्यू रखवा दिया है ना 2020। अच्छा वो पापा वो अपना व्हाइट कैप जूनियर नहीं है चिंटू, उसी का कंपनी है, तो उसको बोल देंगे दो दिन शिफ्ट कर देना, कोई दिक्कत का बात है ही नहीं। आप ही बताइए फ्लाइट कौन सा है? फ्लाइट मिला है गाँव एयर का। गाँव एयर? नीलेश पिछला फ्लाइट खोल दिया क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे पप्पू चाचा खोले हैं। आज सुबह उनका फोन आया था, 31 तारीख को गांव में गृह प्रवेश है, वहीं जाएंगे हम लोग। जाओ सामान बांध लो। पापा तू बी वेरी ऑनेस्ट, हम ना दोस्त लोग साथ गोवा जाने का प्लान बना रहे थे। बेटा क्या है ना कि इसको प्लान नहीं, अय्यासी कर। गलत बात है पापा, तुम्हारा प्लान प्लान साडा प्लान अय्यासी। बेटा साल के शुरुआत में जो पिटता है वो फिर साल भर पिटता रहता है। पिटते रहेंगे। हाँ सही पकड़े हो। जाओ सामान मान लो। छोटका चा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हो? सब कुशल मंगल? अरे क्या बताएं चाचा, बहुत परेशान है हम आजकल शादी को लेकर। अरे तुम काहे टेंशन ले रहे हो बे? तुम ठहरे बेरोजगार, तुमको कोई अपना लौंडा भी नहीं देगा। अरे छोटका चा, हम अपने बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जब घर में एक जवान बाप बैठा रहता है ना, सर पे टेंशन रहता ही है। हम सोच रहे हैं कि अब पप्पा का भी फिर से हाथ पीला करवा दिया जाए और इसी बहाने हमको स्टेप मॉम का प्यार भी मिल जाए। ये तो बहुत नेक ख्याल है बेटा। अरे नेकी हमारे अंग अंग में बसा हुआ है चाचा जी। आपको पता है पप्पा के लिए ना सत्तू का पराठा बनाया है, उनका फेवरेट भी है। लेकिन दिक्कत हो गया है कि जो लड़की वाला लोग है ना, वो 31st और 1st को उनसे मिलने आ रहा है, उसी टाइम उनको गाँव जाने का भूत सवार है। अच्छा अच्छा समझ गया बेटा, तुम टेंशन मत लो, हम कुछ प्रबंध करते हैं। अच्छा 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 जी, एक और चीज, उनको ना लड़की वाला के बारे में पूछिएगा मत। वो क्या है कि एक्साइटमेंट उनको मिल ही आ जाता है, फिर लाठी पड़ जाता है हमको। ठीक है, चलिए ठीक है चाचा जी, प्रणाम। अबे आईब्रो कौन सेट करता है यार? पापा जी, गोवा का बीच कभी गरम कभी नरम, कभी गरम गरम कभी नरम गरम गरम नरम। पता नहीं कौन सा नशा करता है। अरे पापा ये लाइन बड़ी सही से चूज करी उन्होंने। ओ ज्यादा कपड़ा पैक कर लेना, चाचा का फोन आया था, कह रहा है कि 2 दिन बहुत कम है, कम से कम 8 दिन आके रहिए गांव। कैसे हो सकता है पापा, ऐसे हमारा खुद उनसे बात हुआ है, जो बोले हैं कि आने से मना कर दिए हो। अच्छा तो तुम ही हो वो छजुंदर जिससे बात करके चाचा को अचानक लगा कि पंडित बोल रहा है कि बड़ा भाई का साया भी नहीं पड़ना चाहिए घर पे 31st और 1st को। बहाना बनाने वाले। अब पापा वो क्या है, शायद हम कल बात किए हैं, अभी क्या है कि हम टेनेट देखे हैं ना, तो मेरा टाइम थोड़ा गड़बड़ा गया है, हमको लग रहा है हम कल ही बात किए। अच्छा कल बात किए थे? हाँ कल ही बात किए हैं। तो फिर पापा को कैसे पता कि हम सतुआ का पराठा खाए हैं? पापा वो क्या है कि हम लोग बिहार से है ना पापा, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी लिट्टी खा लिए, सत्तू पराठा खा लिए, कभी नून रोटी खा लिए, जिंदगी साथ बिता दिए। ठीक है अभी एक मुक्का मारेंगे तुम्हारा पूरा जिंदगी बीत जाएगा। जाओ जाके कपड़ा बांधो जल्दी से, 8 दिन रहोगे अब गांव में। चूप चपड़ किए ना तो नमस्ते लंदन का कटरीना की तरह शादी भी करा देंगे। एक बार फिर सोच लीजिए, 8 दिन ज्यादा नेट नहीं चलता है वहां पे, आप देखिए आप नहीं देख पाइएगा मैच। भाई सुनने में आया लड़कियां तो बिकनी भी ला रही है। क्या बिगिन शूट? साले रुचि की तरफ आंख उठा के देख रहे हैं तो वो काट के रख देंगे 2 पीसेस ओनली, समझे? यार तुम समझ नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है यार यहाँ पे। पापा देखिए मिश्रा अंकल आए हैं, ये क्यों आए हैं प्लान बन तो मिश्रा वर्मा को साथ नहीं लाए? अरे वो गए हैं हनीमून मनाने। का तीसरी बार? तुम्हारा मौका है गर्भवती बिल्ली का पेट कितना लटका हुआ है। का बताए झाजी, सोचे थे नया साल पे परिवार के साथ न्यू ईयर मनाएंगे, पर नहीं, लड़का को मनाली जाना था स्कोर करने, क्रिकेट अच्छा खेलता है ना, अब बीवी भी वो फैबुलस लाइफ ऑफ भागलपुर वाइफ में हिस्सा लेने चली गई। बताइए हमको सबने अकेला छोड़ दिया है न्यू ईयर। अरे मिश्रा अंकल लोर मत चुवाइए,
अब देखिए झाजी आपके बेस्ट फ्रेंड है ना, है आपको लग रहा है कि आपको अकेला छोड़ देंगे? नहीं, आपके साथ ही प्लान बनाएंगे, देख लीजिएगा, है ना अप्पा? तभी तो आए। छील लेते। देखो मिश्रा, तुम टेंशन मत लो, हम भी तुम्हारे परिवार की तरह ही हैं, तो हम भी उनके जैसा तुमको छोड़ के 31 को जा रहे हैं अपने गाँव। झाजी when life sucks everyone, खैर हमारा लड़का ही छोड़ के चला गया, हम क्या कहें? कम से कम आपका लड़का तो इस लायक है कि आपके साथ तो है दिव्यर पे। हाँ मिश्रा, बहुत है लायक बेटा हमारा, कभी कभी तो हमको अपना किस्मत पे यकीन ही नहीं होता। पापा इतना सर कैसे वो सही मार रहा है? अरे पालक है बे, ऐसे नहीं छीलते इसको। ये पालक है, वो हरा रहा नहीं है जिसको आप सुखा के क्रश। अच्छा वो अलग। पापा क्या बात है, दिन में सत्तू का पराठा, अभी डोमिनोज पिज्जा, ये मत सोचना कि हमारा फेवरेट है तो हम मान जाएंगे। अरे पकाइए ना। अच्छा का हाथ मुचार देते हैं पापा, क्या है कि हमको रियलाइज हो गया है कि हम भी वही गलती कर रहे थे जो मिश्रा अंकल का लावंडा कर रहा था। अब क्या है कि उसकी तरह नालायक तो हम है नहीं, आप हमको जिम्मेदार नागरिक बनाया है ना, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं अब आपके साथ गाँव ही चलें। तो अब माफ़ कर दीजिए, काहे आप भी दिलजीत बन के बैठे हुए हैं। और तुम्हारा गोवा का सब लफंटर दोस्त का कहा क्या बताएं पापा, वो लोग तो जेबे करेगा, घूमेगा फिरेगा, लड़की बाजी, लड़की लोग के साथ ताश में बाजी करेगा। लेकिन अब क्या है कि हम उन लोग के जैसा लफुआ तो है नहीं ना कि उन लोग के साथ घूमते रहें, हम समझदार नागरिक हैं, हमको एहसास हो गया है, तो हम आपके साथ रहेंगे और गाँव जाएंगे। तो ये बताइए टिकट किए कि हम बुक कर लें अपने अकाउंट से? नहीं नहीं, टिकट हम बुक करा लेंगे, उसके लिए अकाउंट होना भी चाहिए पहले। यो ठीक है, जाओ सामान बांध लो। जी पापा, आप पूरा पिज्जा खाइएगा, देखिए कोना छोड़िएगा नहीं, देख रहे उधर से हम। पिज्जा में कुछ मिलाया क्या इसने? हाँ सुनो, 31 का फ्लाइट का टिकट कराना था गोवा का। हाँ क्या पर सही है बेटा, इमोशनल ब्लैक मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा। कुकुर का आपका नाक है, सूंघ लिए लगता है। अच्छा मिश्रा अंकल, हम लोग का जो स्कैम है इतना कामयाब हुआ है कि हमको मन कर रहा है अपना नाम अभिनव से हटा के हर्षद मेहता झा रख लें। आपका वो फेक नालायक बेटा कहानी सुन के मेरा घर में जो रियल इज्जत बढ़ा है ना मिश्रा अंकल, हाँ 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 एकदम स्वाद आ गया, बहुत प्यारे हैं। लीजिए आपका इनाम, गिफ्ट आपका। बहुत बड़े लफुआ बेटा, बहुत बड़े पप्पा पे गए हैं एकदम। चलिए अंकल बन रही है। ठीक नहीं साहिल, अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है अभी ना, हमको तुम लोग साथ जाके गोवा लफुआबाजी करने का मन नहीं है, अब मेरा खुशी पप्पा के साथ गांव जाने में ही है, समझा? भैया जरा गाड़ी रोकना इधर। हैं यहाँ पे है कि तुम यहीं उतरोगे? चलो निकलो। अच्छा पप्पा बनिए मत, हमको ना सब पता है, और आपका ये शर्ट देख के तो और क्लियर हो गया है क्या था आपका सरप्राइज। तुम्हारा सरप्राइज ये है कि यहाँ से लेफ्ट में जाके 500 मीटर पे है बस अड्डा, वहाँ से पकड़ो गांव के लिए बस, सीधा जाओ गांव और पूरा परिवार वालों के साथ करो हमको जूम कॉल, समझ गए? और हाँ, बस में अपना कुर्सी का पेटी कृपया बांधे रखिएगा, आपका यात्रा मंगलमय हो, नमस्कार। देखिए अगर आप पापा मजाक कर रहे हैं तो बहुत गंदा मजाक है, हम आपको देख रहे, आप सुने थे, आप टिकट बुक किए थे तो गोवा का, तो अब कौन जा रहा है गोवा? हम जा रहे हैं गोवा, और कौन जाएगा? अच्छा आप जा रहे हैं गोवा, अकेले जा रहे हैं आप हैं? मिश्रा पापा नहीं बेटा, हमारे हो तो कैसे जाएंगे झाजी अकेले गोवा? हैं आप हमारे तरफ थे, उनकी तरफ कब लुढ़क गए आप? उंगली तुम्हारी तरफ था, दिल हमारी तरफ था, समझे? ओ बिटवा जी, गोवा का हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम नरम। बाप रे बेटा शॉक। नमस्ते गाइस। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, पसंद आने में अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो उसको। कर दो भाई कर दो। दोस्ती तो है जो हमारा साथ निभाते हैं, कभी हंसा के तो कभी खुशी से रुला के। करेक्ट। और गाइस ऐसे दोस्तों को अवार्ड देना तो बनता है ना, तो अभी जाओ dostofthear.com पे और हर फ्रेंड को उसके लिए अवार्ड जरूर दो। एंड गाइस थैंक यू दोस्तों, दो ही है स्क्रीन पत्ती भी तो आपका दोस्ती है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्क्रीन पत्ते। दोनों ही एक्टर्स भाई बहुत सही है। हाँ सही है, अच्छी थी और
पिटाई शरीर का जो सरकैज़म था ना, मतलब क्या मतलब, और राइटर ने तो भाई कमाल काम किया, राइटर बहुत बढ़िया वाला, क्या चूज चूज कर उसने लाइनें चूज करी हैं दोनों के लिए। ओवरऑल मुझे वीडियो बहुत सही लगी, बड़ी क्या कह सकते हैं कॉमेडी फुल थी और मज़ा आ गया। मतलब ये जो दोनों है जोड़ी, एक ये जो है ना बड़े मियाँ, इनके साथ छोटे मियाँ होते हैं एक और, उन दोनों की जोड़ी भी है बहुत सही लगती है, पर ये वाली सीरीज़ भी कभी नाश नहीं करती है। 8वां एपिसोड है ये, अगर आपको देखने हो तो इसके पहले के एपिसोड भी देख सकते हो, आपको वो जो है अच्छे लगेंगे, उतनी मैं गारंटी ले लेता हूँ। पहला एपिसोड तो बहुत सही था, हाँ वो अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना इन पर, बाकी बहुत सही था और बिहारी वो टच था, और मैं बिहार मेरी नेबरिंग स्टेट है, मतलब अभी मैं फ़िलहाल पंजाब में हूँ पर वैसे मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड की नेबरिंग स्टेट है, तो थोड़ा इसलिए भी मुझे थोड़ा जो है पसंद है क्योंकि ये मेरा जो गांव है वो बिहार बॉर्डर के पास में है, तो भोजपुरी हमारे वहाँ बोली जाती है, तो थोड़ा ऐसा आता ना पर्सनल टच, बहुत सही है, ज़्यादा बिहारी नहीं है हल्का फुल्का ही है, पर बढ़िया थी, कॉमेडी वाली थी। ओके अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, बाय बाय।